अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बीसीए फिफ्थ सेम का लेक्चर न्यूमेरिकल मेथड्स, मैथ्स का नाम है, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। इसकी हम लोग यूनिट थ्री पढ़ रहे हैं और यूनिट थ्री में हमारा और इसमें जो भी हमने यूनिट टू में टॉपिक्स पढ़े थे उन्हीं को हम डेरिवेटिव मेथड से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला और बैकवर्ड फार्मूला। न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूले और बैकवर्ड फार्मूले की क्या खासियत है कि इनमें जो आपकी टेबल गिवन होती है, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होती है, तो एक्स की वैल्यू के बीच के जो डिफरेंसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इक्वल इंटरवल के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला, न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला। अब जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो बोर्ड की जो स्क्रीनशॉट होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो में क्लियर चीजें नहीं दिखाई पड़ रही हैं तो आप समझ लो और उसकी उसकी जो पिक है वो आपको उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पीडीएफ हम उसमें डाल देंगे। और बाकी अब आप समझो कि यूनिट टू में जब हमने इस टॉपिक को पढ़ा था और यूनिट थ्री में जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो क्या डिफरेंस है, ठीक है। और अब जितना भी कोर्स हो गया है कोशिश करिए उस सारे कोर्स का आप रिवीजन करते चलिए और सबके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको और बतानी है कि फॉर्मूला डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आता है, उसको प्रूफ करने के लिए नहीं आता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। तो यूनिट वन और यूनिट टू में जो भी टॉपिक्स हुए हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। इस वाली मैथ्स में नंबर स्कोर करना बहुत आसान होता है, कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती क्योंकि आपको 82 MS का साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना होता है, ठीक है। तो नंबर लाना आसान है, तो बस इसमें करना क्या है, एक तो सेंट्रल डिफरेंस टेबल सीखनी है कि कैसे बनती है, और दूसरा आपको ये सीखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। फॉर्मूले को आप ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला भूल जाओगे एग्जाम में, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पहले फॉर्मूले को प्रूफ करके देखोगे कि फॉर्मूला क्या आ रहा है प्रूफ करने के बाद, और उसके बाद फिर उसमें वैल्यूज आप पुट करोगे। फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, तो उसको कई बार लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, तो जब आप लिखोगे तो आपको बाई हार्ट फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा डेरिवेटिव फॉर्मूला फॉर इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल के लिए हम मेथड्स पढ़ते हैं न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। आपको हमने पहले भी बताया था कि ये जो डेल ऑपरेटर होता है, तो न्यूटन फॉरवर्ड में डेल ऑपरेटर ऐसे बना होता है और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में डेल ऑपरेटर इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या है। अच्छा, डेरिवेटिव मेथड से है, तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे dy by dx, इसमें हमें इस फॉर्मूले से जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें जनरली दो वैल्यूज निकालनी होती हैं, एक dy by dx निकालना होता है, एक d2y by dx2 निकालना होता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये इसका प्रूफ भी है, ठीक है। इसको हम बताएंगे अभी आपको कि इस ये वैल्यू कैसे आ जाती है, ठीक है, इसको भी हम बताएंगे। जो आपने पहला फॉर्मूला पढ़ा था तो उसमें u भी यूज हुआ था, u u-1 u u-1 u-2, तो आखिरकार इसमें u कहाँ चला गया, u कैसे एलिमिनेट हो गया, ये भी हम आपको बताएंगे। पहले इस फॉर्मूले को समझ लीजिए, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, डायरेक्टली आपने वैल्यू पुट कर दिया तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव है dy by dx एट x इज इक्वल टू एक्स जीरो। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है u इज इक्वल टू x माइनस एक्स जीरो अपॉन h, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। अगर x की वैल्यू x जीरो की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी तो ये ऊपर वाली वैल्यू तो जीरो हो गई भाई। अगर x की वैल्यू 2 है और x 0 की वैल्यू भी 2 है
तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, और 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो 0 आता है, ठीक है। तो u क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। इसलिए फॉर्मूला में जहां जहां भी u है वो सारा वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, 0 पुट कर दी। इसलिए हमको इस फॉर्मूले में कहीं भी u दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, दूसरी बात अब देखिए ध्यान से कि ये हमारा फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, dy by dx इक्वल टू x जीरो, इसीलिए लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब u जीरो है, 1/h डेल y जीरो माइनस डेल स्क्वायर y जीरो बाई टू प्लस डेल क्यूब y जीरो बाई थ्री माइनस डेल की पावर 4 y जीरो बाई फोर। इस तरीके से ये आगे फॉर्मूला बढ़ता चला जाएगा, जितनी भी कॉलम होंगे उस हिसाब से आपको ये फॉर्मूला आप आगे बढ़ा लेना, ठीक है। अब देखना, देखिए कि यहाँ पे जो इवन टर्म्स हैं, जैसे डेल का स्क्वायर, डेल की पावर 4, डेल की पावर 6, ये सारी वैल्यूज के आगे निगेटिव साइन है, और जो वैसे हैं ऑड टर्म्स हैं, जैसे डेल की पावर 1, डेल की पावर 3, डेल की पावर 5, इन सब में क्या है, पॉजिटिव साइन है। तो ये तरीका हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूले का फर्स्ट डेरिवेटिव याद रखने का तरीका। जो डेल की पावर होगी वही अपॉन में आएगा, डेल स्क्वायर बाय 2, डेल क्यूब बाय 3, डेल की पावर 4 बाय 4, डेल की पावर 5 बाय 5, ठीक है। अब देखिए जो इसके सेकंड न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले का जो सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, एट x इक्वल टू x जीरो पे 1/h2, यहां पे था 1/h, यहां पे हो गया 1/h2, ठीक है। अब देखिए ये कहां से स्टार्ट हुआ है फॉर्मूला, डेल स्क्वायर वाई जीरो माइनस डेल क्यूब वाई जीरो प्लस 11/12 डेल की पावर 4 वाई जीरो माइनस 5/6 डेल की पावर 5 वाई जीरो, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड डेरिवेटिव है इसमें इन चार टर्म्स के बाद जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जनरली हमारी जो टेबल होती है वो डेल की पावर 5 तक ही बन पाती है, ठीक है। जो एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं वो डेल की पावर 5 तक ही आते हैं, ठीक है। तो वो वैल्यूज हम डिफरेंस टेबल से पुट करके और आंसर निकाल लेंगे। ये तो रही न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले की बात। अब क्या होता है हमारा न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। बैकवर्ड में डेल ऑपरेटर हम इस तरीके का यूज करते हैं। अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, डीवाई बाई डी एक्स। अब यहां पे एक्स इक्वल टू एक्स जीरो था, लेकिन यहां पे एक्स इक्वल टू एक्स एन होता है। आपको अगर ध्यान होगा कि हम न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूले में हर एक कॉलम की पहली वैल्यू लेते हैं क्योंकि हमें वाई जीरो लेना होता है, लेकिन न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में हर एक कॉलम की हम लास्ट वैल्यू लेते हैं तो वो एन वाली वैल्यू हो जाती है। तो देखिए डेल वाई एन, डेल स्क्वायर वाई एन, डेल क्यूब वाई एन, डेल की पावर 4 वाई एन, सेम फॉर्मूला है फॉरवर्ड की तरह, बस इसमें निगेटिव साइन कहीं भी नहीं आया है, जितने भी साइन है वो सारे पॉजिटिव साइन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा सेकंड डेरिवेटिव, न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूले का सेकंड डेरिवेटिव देखिए, 1/h2, यहां पे 1/s था, यहां 1/h2, फिर डेल स्क्वायर वाई वन वाई एन, डेल क्यूब वाई एन, 11/12 डेल की पावर 4 वाई एन, सेम है ये दोनों, बस इसमें सारे पॉजिटिव साइन है। बस ये जो फोर्थ टर्म यहाँ पे -5/6 है, लेकिन यहाँ पे +3/2 है, तो ये चीज भी ध्यान रखने वाली है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आप समझ गए, एक बार हम देख लेते हैं कि बोर्ड क्लियर आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। हाँ, बोर्ड तो बिल्कुल क्लियर है। अब जो है हम क्या करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, और क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद ये बता देंगे आप, सेंटर डिफरेंस टेबल बता देंगे और वैल्यू आप पुट कर लोगे। वैल्यू पुट करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, वैल्यू आप पुट करके आंसर निकाल लोगे, आंसर भी हम बता देंगे कि आंसर क्या निकलेगा, ठीक है। तो इसको हम रब कर देते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए
देखिए हमारी वैल्यू दी हुई है एक्स और वाई की, ठीक है, 0, 5, 10, 15, 20, ये तो हो गई x की वैल्यू 0, 5, 10, 15, 20। आप देख लो इक्वल इंटरवल है, 0 से 5 के बीच का डिफरेंस 5, 10 से 5 के बीच का, 5 से 10 के बीच का डिफरेंस 5, 10 से 15 के बीच का डिफरेंस 5, इस तरह के 5 5 के डिफरेंस। अब नीचे y की वैल्यू देखिए 1.5708, नेक्स्ट वैल्यू है 1.5738, फिर है 1.5828, फिर है 1.5981, उसके बाद है 1.62, लास्ट वैल्यू है 1.62। तो अब हम सेंट्रल डिफरेंस, इसे हम कर किस मेथड से रहे हैं, न्यूटन्स फॉरवर्ड, शॉर्ट में लिख देते हैं न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला, ठीक है, इससे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में सेंटर डिफरेंस टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब सेंटर डिफरेंस टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं, बनाते हैं कॉलम। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर y की लिखेंगे, उसके बाद डेल y की लिखेंगे, डेल स्क्वायर y की लिखेंगे, डेल क्यूब y की लिखेंगे, और उसके बाद डेल की पावर 4 y की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले x की वैल्यू लिख देते हैं 0, फिर उसके बाद एक कॉलम छोड़ के फिर हमने x की दूसरी वैल्यू लिख दी 5, फिर एक कॉलम छोड़ दिया, फिर हमने लिख दी 10, फिर हमने एक कॉलम छोड़ दिया, लिख दी 15, फिर हमने एक कॉलम छोड़ दिया और लिख दी 20, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले y की लिख देते हैं 1.5708, 1.5738, 1.5828, उसके बाद 1.5981 और 1.62। तो सेंटर डिफरेंस टेबल में देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, x की वैल्यूज लिख दी और y की वैल्यूज लिख दी, ठीक है, हाँ x की वैल्यूज लिख दी और y की वैल्यूज लिख दी। इसके बाद डेल y कैसे निकालते हैं, हम y की वैल्यूज में सेकेंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू माइनस कर देंगे, यहां पे लिख देंगे, तो हमें मिल जाएगा 0.0030। उसके बाद फिर थर्ड से सेकंड वैल्यू माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 0.0090। फिर हम फोर्थ से थर्ड वैल्यू माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा 0.0153। फिर क्या मिलेगा, 0.0219, ठीक है। तो इस तरीके से हमें थर्ड कॉलम की वैल्यू मिल गई, फर्स्ट और सेकंड कॉलम की वैल्यू तो गिवन होती है एग्जाम में, ठीक है, और थर्ड कॉलम की हम कैसे वैल्यू निकालते हैं, सेकंड कॉलम में ही सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू माइनस करके, थर्ड वाली वैल्यू से सेकंड वैल्यू माइनस करके, फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू से उससे पहले वाली वैल्यू माइनस करके यहां पे लिख ली। अब इस वाली वैल्यू से सेकंड से फर्स्ट वैल्यू माइनस करिए तो क्या मिल जाएगा, 0.0060। फिर मिल जाएगा 0.0063, ठीक है, और
वैल्यू मिल जाएगी 0.0066, ये मिल जाएगी। फिर अब फर्स्ट सेकंड गिवन होते हैं, थर्ड निकल आया, फोर्थ निकल आया, अब हमें फिफ्थ कॉलम करना है। फिफ्थ कॉलम में क्या करना, सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू माइनस कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, 0.0003। फिर इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू माइनस कर दीजिए तो मिल जाएगा 0.0003। अब ये दोनों सेम वैल्यू है तो लास्ट वाले कॉलम में क्या मिल गया, जीरो। इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे क्या मिल जाएगा, जीरो। ठीक है, अब देखिए आपको कॉलम से ही पता चल रहा है लास्ट डेल की पावर 4y वाला जो कॉलम है वो तो जीरो आ गया, तो जीरो रखने का तो मतलब ही नहीं है। तो हम लोग फॉर्मूला कहां तक यूज करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला हम लोग कहां तक का यूज करेंगे। तो देखिए, अब देखिए यहीं पे हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं कि कहां तक का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब जैसे dy बाई dx होता है एट x इक्वल टू x जीरो पे फॉर्मूला होता है, जो अभी हमने आपको इससे पहले बताया है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें देखिए, अच्छा क्वेश्चन में एक चीज और दी थी, वैल्यू गिवन थी एट x इक्वल टू 3, तो उसका ज्यादा कोई मतलब तो नहीं है। एट x इक्वल टू 3 आप यहां पे लिख दोगे एट x इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन में गिवन है पर इसका कोई मतलब नहीं है, बस एट x इक्वल टू 3 पे आप लिख दोगे और निकाल दोगे। तो पहली वैल्यू आपको क्या चाहिए होगी, सबसे पहली वैल्यू फॉर्मूले में क्या होती है, पहली वैल्यू होती है 1। अच्छा h कैसे निकालते हैं, इनके बीच का डिफरेंस, x की वैल्यू के बीच का डिफरेंस, तो h क्या है, 5 है। ठीक है, तो 1/5 लग दोगे। उसके बाद फॉर्मूले में होता है डेल वाई जीरो, क्या होता है फॉर्मूले में, डेल वाई जीरो, तो डेल वाई जीरो मतलब पहली वैल्यू, तो डेल वाई जीरो क्या है वैल्यू, 0.0030, ये आप लिख दोगे। उसके बाद है माइनस डेल स्क्वायर वाई जीरो बाई 2। अब डेल स्क्वायर वाई जीरो मतलब डेल स्क्वायर वाई वाले कॉलम में ये पहली वैल्यू जो है वो डेल स्क्वायर y जीरो की है, तो आप ये रख दोगे। उसके बाद प्लस डेल क्यूब y जीरो अपॉन 3, तो डेल क्यूब y जीरो अपॉन 3, तो डेल क्यूब y जीरो वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली 0.003। तो यहीं तक आप फॉर्मूले में पुट करोगे वैल्यूज और उसके बाद आपको आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा 0.0007। ठीक है, ये तो आपको मिल जाएगा dy by dx। उसके बाद जब आप d2y by dx2 करते हो, d2y by dx2 निकालते हो at x equal to 3 गिवन है क्वेश्चन में, तो इसमें पहली वैल्यू क्या चाहिए है, पहली वैल्यू क्या चाहिए होती है, डेल स्क्वायर y0, तो पहली वैल्यू ये चाहिए, दूसरी वैल्यू चाहिए डेल क्यूब वाई जीरो, तो ये हो जाएगी, और उसके बाद वाले कॉलम में तो जीरो है, तो केवल आपको दो ही वैल्यू यूज करनी है और यहां पे 1/h² हो जाएगा, मतलब 1/25 क्या हो जाएगा, 1/25। उसके बाद आपको दो ही वैल्यू पुट करनी है, डेल स्क्वायर वाई जीरो मतलब 0.0060 प्लस नहीं माइनस डेल क्यूब वाई जीरो, तो डेल क्यूब वाई जीरो की है 0.0003। इन दोनों को सॉल्व करके जब सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 0.00023। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं, उस फॉर्मूले में आपको डेल क्यूब वाई ही तक ही यूज करना है, क्योंकि डेल की पावर 4y वाला कॉलम पूरा क्या हो गया है, जीरो। ठीक है, तो ये तो आपका न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूले में सेंट्रल डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं और उसकी कौन कौन सी वैल्यू रखते हैं। अब न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि हर एक कॉलम
कॉलन की जो लास्ट वैल्यू होती है, क्योंकि हमें डेल वाई जीरो नहीं लेना होता, डेल वाई एन लेना होता है, एन का मतलब होता है हमारा लास्ट वैल्यू। तो हर एक कॉलम की लास्ट वैल्यू हम सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए उसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, उसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लैक बोर्ड रब कर देते हैं। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूले का। तो हमने क्वेश्चन अलग से नहीं लिखा है, तो ये टी का कॉलम है, ये एक्स का कॉलम है। अब देखिए इसमें टी और एक्स गिवन है, जैसे हम लोग को एक्स और वाई गिवन होता है, और वाई की जगह कभी कभी जो है एफ एक्स लिखा होता है, एक एक्स का कॉलम होता है, एक एफ एक्स का कॉलम होता है, जिसको हम वाई भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स की जगह लिखा हुआ है टी, और y की जगह पे लिखा हुआ है x, x की जगह t लिखा हुआ है, y की जगह x लिखा हुआ है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, क्या होता था हमारा dy by dx होता था। अब y की जगह x है और x की जगह पे t है, तो dx अपॉन dt हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे हमने सेम t दिया हुआ है x की जगह पे और x दिया है y की जगह पे। नेक्स्ट हमने डेल x निकाला है, डेल स्क्वायर x, डेल क्यूब x, डेल की पावर 4x और डेल की पावर 5x। ठीक है, तो ये सेंटर डिफरेंस टेबल है, सेंटर डिफरेंस टेबल है ये। तो देखिए इस टेबल में अब सेम वही चीज की गई है, सेकंड वाली से फर्स्ट वाली वैल्यू माइनस की गई तो ये आ गया, थर्ड से सेकंड वैल्यू माइनस की तो ये आ गया, फोर्थ से ये, तो इस तरीके से, फिर इसी तरीके से हम तब तक वैल्यू निकालते हैं जब तक हमारी एक वैल्यू ना बचे। तो इसमें डेल की पावर 5x तक का हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, देखिए फॉर्मूले को यूज करने के लिए इसमें जो हमारी लास्ट वैल्यू होती है, जैसे डेल, इसमें कौन कौन सी वैल्यू, जैसे डेल एक्स एन यूज होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या यूज होगा बैकवर्ड फॉर्मूले में बता देते हैं आपको। हाँ, तो यहां पे यूज होगा वन अपॉन एच डेल स्क्वायर वाई एन। अच्छा ये तो है डेल स्क्वायर वाई एन नहीं, डेल वाई एन प्लस वन बाय टू डेल स्क्वायर वाई एन प्लस वन बाय थ्री डेल क्यूब वाई एन। इस तरीके से हम इसको कहां तक लिखना है, वन बाय फोर डेल की पावर फोर वाई एन प्लस वन बाय फाइव डेल की पावर 5yn तक, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और सेकेंड डेरिवेटिव के लिए हमें कहां तक यूज करना पड़ेगा, d2x by dt2। क्वेश्चन में दिया हुआ है at t is equal to 12, वहां पे क्या दिया हुआ था x is equal to 3, यहां x की जगह t है, तो t is equal to 12 अगर गिवन है तो यहाँ पे t is equal to 12 लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन अपॉन एच स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई एन फिर प्लस डेल क्यूब वाई एन, उसके बाद प्लस 11 बाय 12 डेल की पावर 4 वाई एन प्लस 3 बाय 2 डेल की पावर 5 वाई एन। अब हम आपको टेबल में वैल्यूज बता देते हैं, डेल वाई एन की वैल्यू क्या है 2 है, डेल वाई एन की वैल्यू क्या है 2 है, डेल स्क्वायर वाई एन की वैल्यू माइनस 0.50 है, डेल क्यूब वाई एन की वैल्यू है माइनस 1.2, डेल की पावर 4 वाई एन की वैल्यू है माइनस 1.3 और डेल की पावर 5 वाई एन की वैल्यू है माइनस 1.25, क्या है माइनस 1.25, ठीक है। तो यही सारी वैल्यूज जो है इनमें भी यूज होनी है, 2 माइनस 0.50 माइनस 1.20 माइनस 1.30 माइनस 1.25, इन दोनों के आंसर बता देते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आपका आएगा
0.3875 और सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर आएगा d2x by dt2 का -1.01978। ठीक है, तो ये इन दोनों के आंसर आ जाएंगे। तो आज हम लोगों ने कौन से दो फॉर्मूले पढ़े हैं? आज हम लोगों ने दो फॉर्मूले पढ़े हैं इक्वल इंटरवल के लिए, न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला और न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला। ठीक है, एक दिन ये भी बता देंगे कि ये फॉर्मूले आए कैसे हैं। वैसे फॉर्मूले का प्रूफ पूछा नहीं जाता है, डायरेक्ट जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में CCS यूनिवर्सिटी से आते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, शेयर करना, कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।